हेलो बच्चों, आज क्लास टेंथ का एक चैप्टर हम करने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इससे पहले मैंने कई सारे चैप्टर्स करा रखे हैं यूट्यूब पे, लाइक ट्रिगोनोमेट्री मैंने करा दिए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने करा दिए हैं, स्टैटिस्टिक भी करा रखे हैं। तो देखिए, बहुत सारे लेक्चर्स मैंने करा रखे हैं, इन सब को देखिए वन बाय वन करके। ये सब जो भी चैप्टर्स मैं करा रहा हूँ, ये काफ़ी मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर्स हैं और एग्ज़ाम में इन चैप्टर्स से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे वन बाय वन करके सारे चैप्टर्स करा दूँ। ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सब में पढ़ना होता है। हर रोज़ आप अगर मैथ्स में 15-20 मिनट का टाइम दे देंगे, 25 मिनट का टाइम दे देंगे पढ़ने के नाम पर, तो मैथ्स में अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। अराउंड 100% मार्क्स मैथ्स में स्कोर किया जा सकता है। मैथ्स इज़ द ओनली सब्जेक्ट इन विच वी कैन स्कोर अराउंड 100% मार्क्स। मैथ्स में आप 100% मार्क्स ला सकते हैं और मैथ्स बहुत ही आसान सा है। इसी आसान से टॉपिक में एक मैंने आज चैप्टर को जो सिलेक्ट किया है, वो चैप्टर का नाम है सर्कल्स। ये 10th चैप्टर है आपका NCERT बुक का, 10th चैप्टर है, ठीक है। और ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इससे क्वेश्चन काफ़ी गिने चुने आते हैं एग्ज़ाम में। और कभी 3 मार्क्स का पूछ देता है तो कभी 5 मार्क्स का आता है। 3 to 5 मार्क्स के इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ये सबसे छोटा चैप्टर है, स्मॉलेस्ट, और इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स 5 नंबर आएंगे। इस चैप्टर में अगर सही से देखा जाए तो 12 से 15 क्वेश्चन है बस, और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं सर्कल्स होता क्या है। ये एक सर्कल ऐसा गोला सा होता है, गोल सा होता है। इसमें एक सेंटर होता है और सेंटर से ये ऐसा लाइन जो ड्रॉ करते हैं, इसको रेडियस कहते हैं, ठीक है। इसको सेंटर कहते हैं, OA इसका रेडियस है, ठीक है। लेकिन इसमें जो हमको डिस्कस करना है, वो डिस्कस करना है टेंजेंट का। एक वर्ड आता है टेंजेंट। टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को 1 पॉइंट पे टच करता है। अगर 2 पॉइंट पे कट करेगा तो उसको कॉर्ड कहते हैं या सिकेंट कहते हैं। 2 पॉइंट पे अगर कट करता है तो सिकेंट कहते हैं। लेकिन टेंजेंट जो होता है 1 पॉइंट पे ही टच करता है। मान लीजिए यहाँ पे सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है। ये रहा ये पॉइंट, मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा सर्कल को टच करके निकल गया। ये पॉइंट रहा इस पॉइंट पर, ऐसा सर्कल को टच करके निकल गया। तो एक सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल पर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, एक सर्कल पे इनफाइनाइटली टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं। एक सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट होता है, एक टेंजेंट यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, पांचवा यहाँ से, छठा यहाँ से, सातवा यहाँ से, आठवा यहाँ से, नौवा यहाँ से, दसवा यहाँ से, इस तरह से इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो एक सर्कल के पास इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ होता है। अब इसमें एक और बात समझेंगे, एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट होते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं। एक बात और समझेंगे, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल पे मैंने एक लाइन ऐसा ड्रॉ किया जो इस सर्कल को यहाँ पे टच कर रहा है, तो इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे, या टेंजेंशियल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंजेंशियल पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, इसको कहते हैं टेंजेंशियल पॉइंट। टेंजेंशियल पॉइंट कहाँ पे लाइज करता है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाइज करता है। अगर मान लो मैंने ऐसा लाइन बनाया तो ये टेंजेंट नहीं होगा, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक कॉर्ड होगा, और इसको सिकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिकेंट। तो जो लाइन को इंटरसेक्ट कर देता है सर्कल को, उसको सिकेंट कहते हैं। लेकिन ऐसा सिकेंट जिसका एक ही टेंजेंट कटिंग पॉइंट हो, ऐसा सिकेंट जिसके एक ही कटिंग पॉइंट हो, उसको हम कहते हैं टेंजेंट, टेंजेंशियल पॉइंट। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना टेंजेंट के बारे में और टेंजेंट की स्टडी करनी है, ठीक है। तो अभी हमने एक बात सबसे पहले ये समझा, एक सर्कल के कितने टेंजेंट होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट होते हैं। लेकिन आपसे बोल दें एक ही सर्कल है आपके पास में, और इसमें कितने पैरेलल टेंजेंट होते हैं। ये देखिए, एक टेंजेंट इधर, एक टेंजेंट इधर, वन ही पैरेलल, तो वन पेयर, वन पैरेलल टेंजेंट,
और वो कैसा होता है? अराउंड डायमीटर होता है। किसके अराउंड होता है? डायमीटर। जैसे मान लो ये सर्कल है, इसका डायमीटर ऐसा हो गया, एक टेंजेंट ऐसा, एक टेंजेंट ऐसा, तो डायमीटर के अलोंग जो भी टेंजेंट बनता है वो हमेशा पैरेलल होता है। तो पैरेलल टेंजेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? डायमीटर से पास करना चाहिए। एक बात हो गया। दूसरी बात, एक सर्कल पे कितना टेंजेंट कर सकते? इनफाइनाइट टेंजेंट कर सकते। अगर मान लीजिए एक सर्कल है, इस पर पूछ रहा है कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते, तो हमने कहा इनफाइनाइट कह सकते। अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, इससे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते? नो टेंजेंट कैन ड्रॉ। अगर अंदर कोई पॉइंट है तो इससे हम सर्कल पे कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर सर्कल पे कोई पॉइंट है तो इससे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते? तो वन एंड ओनली वन, यानी कि सर्कल पे अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उससे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट दिया हुआ है, इससे कितने टेंजेंट हो सकते हैं? एक टेंजेंट ऐसा हो गया, दूसरा टेंजेंट ऐसा हो गया, ठीक है, एक टेंजेंट ऐसा हो गया और दूसरा टेंजेंट ऐसा हो गया, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, टू टेंजेंट्स कैन ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि बाहर वाले किसी भी पॉइंट से एक सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आइए इसका जो सबसे पहला थ्योरम है जो एग्ज़ाम में पूछता है वो आप देखें। जो सबसे पहला थ्योरम वो कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, आपके एग्ज़ाम में भी आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो 10.1 थ्योरम है, थ्योरम 10.1, वो ये कहता है, मान लो कोई सर्कल है, ये सर्कल है कोई भी, इसका ये टेंजेंट है और ये सेंटर है, तो रेडियस जो है, ये रेडियस रहा, रेडियस जो है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बनाती है, एक्स एक्सटेस है ये, मान लीजिए ये ओ है, पी है, आपसे क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा, ओ पी इज़ द परपेंडिकुलर ऑफ, ओ पी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सटेस, या ओ पी इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आपको प्रूफ करने के लिए कहता है। 10.1 थ्योरम जो है आपसे ये कह रहा है कि जहाँ पे टेंजेंशियल पॉइंट होता है, टेंजेंशियल पॉइंट, वहाँ से अगर हम रेडियस को ड्रॉ कर दें तो वो हमेशा क्या करता है, राइट एंगल बनाता है, या नहीं तो आपसे ये कह रहा है बनाने के लिए ओ पी जो होगा, ये रेडियस जो होगा वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। चलिए तो हमको ये प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए मान लेते हैं, लेट ओ पी इज़ नॉट अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हम मान लेते हैं OP जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं, इफ़ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल है तो, अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम मान लेते हैं OP जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। अगर OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं तो हमको कोई दूसरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना पड़ेगा। देयरफॉर लेट OQ इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब कहेंगे OQ है कहाँ, OQ कहाँ, तो मान लेते इधर कहीं पे हम Q ले लेते, ये वाला कोई पॉइंट Q ले लेते, तो ये OQ हो गया, OQ मान लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो अब हमको साबित ये करना है कि OQ नहीं, OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमने जो ये बात माना है ये गलत मान लिया, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अब Q देखिए कहाँ पे लाइज कर रहा है, सिंस Q लाइज आउटसाइड फ्रॉम सर्कल, सर्कल के बाहर लाइज कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ओ क्यू जो होगा वो रेडियस से बड़ा होगा, आर का मतलब रेडियस, ओ क्यू जो होगा रेडियस से बड़ा होगा, ठीक है। चलिए अच्छा, पी कहाँ पे लाइज कर रहा है, पी लाइज ऑन सर्कल, पी किस पे लाइज कर रहा है, सर्कल, इसका मतलब OP जो होगा वो रेडियस के बराबर होगा। चलिए ये बात भी पते की सही है। अच्छा यहाँ देखिए OQ जो है रेडियस से बड़ा हो गया, OP जो है रेडियस के बराबर है, तो क्या इस रेडियस की जगह हम OP लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, OQ इज़ ग्रेटर देन OP, OQ जो है OP से बड़ा है, क्यों, क्योंकि ये R से बड़ा, ये R के बराबर है, तो R की जगह हम इसको लिख सकते हैं OP को,
ठीक है, इसका मतलब ओ क्यू इज नॉट अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका मतलब ओ क्यू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, हमने तो माना था ओ क्यू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो गलत हो गया, देयरफॉर कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, क्या मतलब होता है आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है ये, ठीक है, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इसका मतलब क्या होगा ओ क्यू जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ओ पी सबसे छोटा डिस्टेंस, चलिए ये बात भी समझ में आ गया, और अगर जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है वही परपेंडिकुलर होता है, देयरफॉर ओ पी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्स डैश, ये भी प्रूव्ड हो गया, तो इस तरह से हमने ये पहला क्वेश्चन प्रूव्ड सॉल्व कर लिया। आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं फिर समझेंगे इसकी बातों को, आइए कुछ और बात समझते हैं, आपको गिवन है हाउ मेनी टेंजेंट, पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन हाउ मेनी टेंजेंट्स, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स, कैसे कॉमन टेंजेंट्स कैन टू सर्कल्स हैव, दो सर्कल में क्या क्या कॉमन टेंजेंट हो सकता है, कॉमन मतलब दोनों सर्कल का एक जैसा, तो हम दो सर्कल को बनाते हैं, पहला कंडीशन एक तो ये सर्कल है एक ये सर्कल है, पहला कंडीशन क्या है कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल किसको कहते हैं जिसके एक ही सेंटर हों, ठीक है इस सर्कल के और इस सर्कल के एक ही सेंटर हों, इन दोनों के कितने कॉमन टेंजेंट होंगे, तो इसमें नो कॉमन टेंजेंट, इनके कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होंगे, ड्रॉ ही नहीं कर सकते, ये ऐसा ड्रॉ करेंगे इसका ऐसा कॉमन नहीं होगा, ठीक है एक सर्कल का इंटरसेक्टिंग हो जाएगा एक सर्कल का नहीं होगा, तो ये कॉमन टेंजेंट नहीं होगा। अब दूसरा कंडीशन क्या कि इस सर्कल को घसका के इसके पास रख दिया हमने, तो ये बड़ा सा सर्कल है हमारा, दूसरे सर्कल को हमने यहाँ से ऐसा बना दिया, ठीक है ऐसा बना दिया, अब हमने क्या किया यहाँ पे जो है एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो जो जब दो सर्कल इंटरनली टच करते हैं When two circles touch internally, ठीक है तो क्या हो वन कॉमन टेंजेंट, ये देखिए ये टच करने वाला लाइन एक ही लाइन टच कर रहा है वन कॉमन टेंजेंट, लेकिन इस बार हमने क्या किया इस सर्कल को अंदर वाले सर्कल को थोड़ा और बाहर की तरफ निकाल दिया, तीसरा कंडीशन हमने बनाया कि ये एक सर्कल है और दूसरा सर्कल ऐसा हो गया, अब कितने कॉमन टेंजेंट होंगे, अब एक सर्कल एक टेंजेंट ऐसा दूसरा टेंजेंट ऐसा, तो व्हेन टू सर्कल्स इंटरसेक्ट, जब दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो टू कॉमन टेंजेंट होते हैं, ठीक है यहाँ देखिए एक ऊपर एक नीचे दो कॉमन टेंजेंट हो गए, अब हमने क्या किया इन दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कराया सिर्फ और सिर्फ टच करा देते हैं, फोर्थ कंडीशन क्या हो गया तीन हो चुका है, एक सर्कल ऐसा और दूसरा सर्कल ऐसा, अब हमने क्या किया एक टेंजेंट तो ऐसा ड्रॉ कर दिया जहाँ पे दोनों टच कर रहे थे, ठीक है एक टेंजेंट ऐसा कर दिया एक टेंजेंट ऐसा कर दिया, तीन टेंजेंट हो गए, व्हेन टू सर्कल टच एक्सटर्नली तो कितने हो गए थ्री टेंजेंट, ठीक है चार कंडीशन हो गए, और लास्ट कंडीशन अब क्या हो सकता है लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है एक सर्कल ऐसा है और दूसरा सर्कल इसी के पास में ऐसा बना देते हैं, अब बोथ सर्कल नॉट टच इट अदर, दोनों में से कोई भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहा, एक टेंजेंट देखिए यहाँ से ऐसा चला इसको ऐसा टच करता हुआ निकल गया, दूसरा टेंजेंट यहाँ से ऐसा चला इसको ऐसा टच करता हुआ निकल गया, ठीक है
और तीसरा टेंजेंट यहाँ से ऐसा चला, ऐसा टच करता हुआ निकल गया। चौथा टेंजेंट ऐसा चला और ऐसा टच करता हुआ निकल गया। तो व्हेन टू सर्कल्स सेपरेटेड, दो सर्कल अलग अलग हों, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, फोर कॉमन टेंजेंट। तो चार कॉमन टेंजेंट्स इसमें ना, दो अलग अलग तरह के टेंजेंट। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक का टेंजेंट है, इसको डायरेक्ट टेंजेंट कहते हैं, ठीक है, ये भी डायरेक्ट टेंजेंट हो गया। और ये जो आड़ा टेढ़ा लाइन है, तिरछी तिरछी लाइन है, इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल टेंजेंट, ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल टेंजेंट कहते हैं। तो दो सर्कल के केस में मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आपके सर्कल एक सिलेबस में एक तो है ही दिया हुआ, चलो दो और बता देते हैं ताकि ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए अच्छा हो जाएगा। दो सर्कल्स आपस में अगर टच करेंगे, अलग रहेंगे, इंटरनली टच करेंगे, एक्सटर्नली टच करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो एक ज़ीरो, एक दो, तीन, चार टेंजेंट बनेंगे, चार से ज़्यादा कभी नहीं बन सकता, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, तो आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली मेनी, इनफाइनाइटली NITELY, इनफाइनाइटली मेनी, यानी कि एक सर्कल के इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक करना, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट्स, टेंजेंट कितने जगह पे टच करता है, ये रहा सर्कल, ये रहा टेंजेंट, कितने पॉइंट पे मैच करता है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे मैच करता है, ठीक है। तो एक सर्कल जो होता है टेंजेंट्स पे कितने पॉइंट पे मैच करता है, तो वन पॉइंट्स ओनली, ठीक है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, दो पॉइंट पर जो मैच करता है, ये रहा सर्कल और ये दो पॉइंट पर मैच कर गया यहाँ और यहाँ, तो इसको सिकेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, सिकेंट कहते हैं, ठीक है। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, तो ये मैंने बताया था टू पैरेलल टेंजेंट होते हैं, वो भी कब होते हैं, जब डायमीटर पे दोनों के दोनों लाई करते हैं, ठीक है। तो डायमीटर पे पड़ने वाले टेंजेंट जो होते हैं वो हमेशा पैरेलल होते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, एक सर्कल का कॉमन पॉइंट सर्कल के साथ क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या फिर टेंजेंशियल पॉइंट, तो ये भी मैंने बताया था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, टेंजेंशियल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ये सब 10.1 के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आसान आसान से कर दिए, बिल्कुल भी आसान, ये तो मैंने आज थेरी थेरी बहुत सारे बता दिए हैं आपको, आज इसे ही देखना, बहुत आसान सा काम। एक सर्कल है, इस पर एक टेंजेंट है पी क्यू, ये रहा पी और इधर रहा क्यू, इससे एक रेडियस ड्रॉ कर दिया गया, इसका नाम ओ है और इसका नाम पी है, ठीक है। अब आपको कह रखा है ओ क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, ठीक है, चलिए। और लेंथ ऑफ पी क्यू निकालना है, ये निकालना है, और रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 90 होता है टेंजेंट और रेडियस के बीच, अभी मैंने बताया 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ओ क्यू स्क्वायर जो होगा वो ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमको 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, इसे इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 144 माइनस 25 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू की वैल्यू हो गया, रूट अंडर माइनस कर दो 119, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, कल हम इस कोशिश करेंगे इस चैप्टर को फिनिश करने का। आज एक थ्योरम जो हमने कराया है 10.1 थ्योरम, उसे अच्छे से याद कर लेने का, क्योंकि वो एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली है कि एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है, ठीक है। एक थ्योरम और है जो मैं कल कराऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।